गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद द न्यू ब्लॉग एंड न्यू मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। सो अभी बज रहे हैं सुबह 11 बज रहे हैं और अभी जस्ट मतलब मैं सुबह सो के उठ गई थी, बट यहाँ पे मौसम साफ नहीं था तो उसकी वजह से लगा बिस्तर में लेटे हुए थे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद द न्यू ब्लॉग एंड न्यू मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो अभी बज रहे हैं 11 और आज मैंने जाना है घर। तो अभी मैंने शायद 2 बजे की बस से जाना है। तो अभी मैं ठंडी ठंडी हवा चल रही है और आज धूप लगी हुई है। तो गाइस मैं अभी रेडी होकर निकल रहे हैं यहाँ से। तो मेरी सिस्टर भी जा रही है मेरे साथ, तो अभी बस चली गई थी क्योंकि हमें छोड़ेंगे तब तक। हेलो तो कब से वेट कर रही है? अच्छा, तो देखिए हमारी हमसे मिलने कौन आए, हमारी फैंस आए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं घर और ये दोनों भी जा रहे हैं मेरे घर। पता नहीं किधर बोतल लिया इसका, तो चले चले इसका तो कर है ये इसका फोन करा ये जा रही है। अभी हम यहाँ से सिड्डू पैक करा रहे हैं और हमारे चाचू ने ऑर्डर दे दिया है। और चाचू बहुत ज्यादा चाचू पिछली साइड का। और ये देखो ये जान, ये तो खा के भी इनका पेट नहीं भर। ये एक और है, जानवर है ये, जितना भी खाए भूखा ही रहता है। हे गाइस, एक्चुअली हम लोग बहुत बोर हो रहे थे गाड़ी में बैठे बैठे। सो फिर हमने सोचा कुछ मस्ती करते हैं। तो फिर मस्ती से ये याद आया कि हम डिंपल को थप्पड़ थप्पड़ मारने के गेम खेलते हैं। नहीं डिंपल को नहीं, क्या बोले हम, बहुत देखिए मैंने मेहंदी लगाई है। मेरी मेहंदी को 5 में से 5 कितने स्टार देंगे, दे दीजिए। और 5 और मतलब और इसका दिमाग थोड़ा साइको जैसा है। आप ये भी बता सकते हैं कि भाई यहाँ कितना परसेंट है कितना परसेंट नहीं है। सामान लेके आना जा, तो इसका चलने का तो अभी तक दिशा नहीं आई है, पता नहीं क्या ले रही है। तो आज आप देख सकते हैं बारिश की वजह से कितनी कीचड़ हो गई है जगह जगह। पता नहीं क्या कर रही है वो, सामान लेने गई है और अभी तक नहीं आई है, पता नहीं क्या कर रही है। तो ये अभी दिशा सामान लेके आ रही है। क्या कर रही है, आई डोंट नो। थैंक यू। तो पता नहीं क्या क्या लेके आई है, तो ये अभी बताएगी। चाचू को टाइम लगेगा, एक मिनट मुझे जगह दे बैठने के लिए। मैं लाई हूँ
लाई हूँ घोड़े की चेन जो हमारी बहन ने बड़े नहीं थे ये थे वहाँ पे और नीचे कुर्सी और ये मैं 5 रुपए का और मैं ये हमारी धर्मा बहन खाती है ये बच्चों वाली स्टिक्स ये भी मैं लाई हूँ और मैं ये डिम्पल और अपने लिए लाई हूँ ये वाली चॉकलेट। तो गाइस अभी हम घर पहुंच चुके हैं और अभी हम खा रहे हैं सेब। तो हमने यहाँ पे काट के सेब रखे हुए हैं, इन किसी ने नहीं काटे, मैं काटती जा रही हूँ और ये भूखों की तरह खाते जा रहे हैं पता नहीं कैसी, ये तो सबसे बड़ी जानवर ये जितना भी खाए मतलब पेट ही नहीं भरता इसका। गाइस मैं आज के ब्लॉग का एंड यहीं पे कहना चाहती हूँ, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।